ब्रेक के बाद रुक करते हैं फरीदाबाद की कुछ और खबरों की तरफ। फरीदाबाद नगर निगम के चुनावों को लेकर नामांकन की आखिरी तारीख के दौरान वार्ड नंबर 37 से प्रत्याशी विजेंद्र सिंगला ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन प्रक्रिया को पूरा किया। नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद विजेंद्र सिंगला ने जनता से वोट देने की अपील की, साथ ही जनता को भरोसा दिलाया कि यदि जनता उन्हें वार्ड नंबर 37 से पार्षद चुनती है तो वो अपने वार्ड के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। फिलहाल फरीदाबाद नगर निगम में पूरे वार्डों का हम लोग दौरा कर रहे हैं फिलहाल, और दौरा के दौरान पता चल रहा है कि भाई जनता किस तरीके की अब की बार पार्षद चुनना चाह रही है, किस तरीके के अब की बार कैंडिडेट चुनेगी जनता। फिलहाल हम खड़े हैं वार्ड नंबर 37 में, यहाँ से हमारे साथ हमारे कैंडिडेट विजेंद्र सिंगला जी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ इनके समर्थक भी हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ जो सिंगला जी खड़े हुए हैं किन किन मांगों को लेकर के ये इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, क्या वजह रही इनकी जो इलेक्शन में ये लोग खड़े हो रहे हैं। बाकी कैंडिडेट तो और भी खड़े हुए हैं, हालांकि इनके हम इसके रीज़न जानना चाहते हैं। फिलहाल इनके समर्थकों से भी हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से इन्हें समर्थन कर रहे हैं और जनता का रुझान कैसा है फिलहाल इनकी तरफ। सिंगला जी, पार्षद पद का जो फिलहाल आप इलेक्शन जो लड़ रहे हैं जी, किन पर्पस को लेकर के आप लड़ रहे हो, क्या स्थिति रही, क्यों आप खड़े हुए इलेक्शन में? बाढ़ की दयनीय हालत जो मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूं, जब से नगर निगम बना है, कहीं बरसात के दिनों में लोग निकल नहीं पाते, सड़कें लबालब भर जाती हैं, बरसात के अलावा सीवरेज नालियां भरी रहती हैं, गंदगी का चारों तरफ साम्राज्य रहता है, जगह जगह कूड़े के ढेर रहते हैं, कहीं सड़कें टूटी पड़ी रहती हैं, कहीं नालियों का पानी बह कर सड़कों पर आता रहता है। इतना ज़्यादा बाढ़ की दुर्दशा पिछले 20-25 साल में हुई है कि कभी भी जो भी पार्षद हमारे यहाँ से चुने गए, मैं समझ नहीं पाता कि उनका अब तक इसका IQ है, उनका नज़रिया सोचने का जनता के प्रति क्या रहा है कि चुनाव आए तो हम वोट लेंगे, वोट लेके जीत जाएंगे, फिर वो केवल अपने विकास पे लगे रहते हैं, जनता के विकास से उनका 1% भी कोई लेना देना नहीं है। अब आप इलेक्शन में खड़े हुए हैं, क्या मुद्दे लेकर के आगे चलेंगे? मेरे पास में मुद्दे से पहले एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाढ़ में इतने उम्मीदवारों की भीड़ है और बाढ़ के वोटर, मेरी बाढ़ की जनता इस चीज़ से सबसे पहले परेशान है कि इतनी भीड़ में हम अपना सही सेवक और सही नुमाइंदा किसे चुने। मैं बाढ़ वासियों से सबसे पहले मुद्दे पे आने से पहले एक अपील करना चाहता हूँ कि वो अपना एक कीमती वोट अपने मेरे जैसे चौकीदार और सेवक को अपने वार्ड की जिम्मेदारी देकर और रात के 12 बजे नहीं पूरे 24 घंटे तक वार्ड की चौकसी का एक जिम्मेदारी दें। मैं सेवादार और चौकीदार बनकर पूरे वार्ड की सेवा करूंगा। रही बात मुद्दों की, मुद्दे वार्ड में जहां जो जो कमी है, मैं पूरे वार्ड का पिछले 15 सालों से हालात देखता रहता हूं, हर गली हर मोहल्ले में जाता हूं और वहां मैंने जहां भी देखा है वहां कहीं ईंटों की गलियां हैं, कहीं खरंजे की गलियां हैं, उन सब गलियों को मैं बिल्कुल पक्का कराऊंगा और जहां पर गंदगी और कूड़े के ढेर और जहां ये खत्ता बना दिए हैं इनका परमानेंट यहां से बाढ़ के बाहर निकासी का कोई इंतजाम सीधा करूंगा कि कूड़ा सीधा उठे और जहां भी इसका निस्तारण होना है वहां जाके इसका निस्तारण हो। बाढ़ की कोई भी नाली कहीं भी वहां लबालब भरी नहीं रहे और बाढ़ में सीवरेज की कोई कहीं जहां नहीं पहुंचे वहां तक बाढ़ में सीवरेज घर घर तक पहुंचे और इसके अलावा कोई भी खारा पानी खरीद के भी ना पिए, नहाने के लिए साफ पानी मिले ताकि चमड़ी के रोग और तरह तरह की बीमारियां मेरे बाढ़ वासियों को और जनता को ना हो, क्योंकि मैं बाढ़ का चौकीदार बनने के साथ साथ चिकित्सक बन के भी बाढ़ की निगरानी करूंगा। एक चिकित्सक के नाते जो मेरा फर्ज है उसे भी मैं बाढ़ वासियों को सुंदर स्वास्थ्य और उनकी रक्षा का हर संभव प्रयास करूंगा। सिंगला जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ इस बीच में, जनता कई बार आप लोग जनता के बीच में गए होंगे, जनता एक बार एक सवाल कर देती है, क्या ऐसी स्थिति आपके सामने कभी आई कि कभी जनता ने आपसे ये कहा हो कि वोट मांगते समय तो हाथ जोड़ करके हर कैंडिडेट आता है उसके बाद उसका रवैया कुछ और ही होता है, क्या ऐसी कोई स्थिति आई किसी ने आपसे कुछ कहा है इस तरीके का? नहीं, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और कैंडिडेट के बारे में मुझे बताया जाता है कि जी चुनाव के समय में नए नए उम्मीदवार बीच में आ जाते हैं, मैं तो जनता का सेवक हूँ, पिछले 20-15 साल से सेवा में लगा हुआ हूँ और जनता में सामाजिक चेहरा है, स्वच्छ छवि है, जनता जानती है, जनता आपको बताएगी।
मेरे अलावा आप जनता के बीच में जाकर उनके विचार लेंगे, मेरे समर्थकों के नहीं, आम जनता भी ये चाहेगी कि इतनी भीड़ में वार्ड में अगर कोई उम्मीदवार मैदान में है तो डॉक्टर विजेंद्र सिंगला हैं, जिन्होंने के वार्ड की एक एक समस्या के अलावा है हर व्यक्ति से उनकी एक सामाजिक पहचान है, एक सामाजिक रिश्ता है, घर घर में मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, और मैं चाहूँगा कि लोग मुझे किसी जाति बरादरी पर ना मानकर, जाति बरादरी पर ना अपनाकर 36 बरादरी जो मुझे समर्थन दे रही है उनके आशीर्वाद से, चाहे किसी भी गले मोहल्ले और जो हमारे वार्ड की नत्थू कॉलोनी है, चाहे श्याम कॉलोनी है, चाहे जगदीश कॉलोनी है, चाहे कुमारवाड़ा है, चाहे हमारा जो है आजाद नगर है, बनियावाड़ा है, ब्राह्मणवाड़ा है, पूर्वी चावला कॉलोनी है, नारसिंह कॉलोनी है, और ऋषि नगर है, सोपट रोड चावला कॉलोनी है, और भगत सिंह कॉलोनी है, सभी जगह से 36 बरादरी का समर्थन आप सभी के आशीर्वाद से मेरे साथ है, और भगवान ने चाहा तो जीत 100% जनता की होगी। डॉक्टर विजेंद्र सिंगला इस जीत का सेहरा जनता को देंगे। डॉक्टर विजेंद्र सिंगला कोई नेता नहीं बनने जा रहे, डॉक्टर विजेंद्र सिंगला हाथ जोड़कर जनता की 24 घंटे सेवा करने के लिए मैदान में है। जनता उन्हें स्वीकार करेगी तो वो जनता की सेवा करेंगे, और जनता ने अगर उन्हें इस बार मौका नहीं दिया तो जनता जब उसको इसका आदेश देगी कि अब जो है हमारा आदेश डॉक्टर साहब आपको है, आप हमारे बीच में आकर हमारी सेवा करें, तो आज नहीं तो फिर कभी जरूर सेवा करूंगा जी। फिलहाल अगर जो बात करें हम नामांकन की, नामांकन की प्रक्रिया आज आपने आपकी पूरी हो चुकी है, फिलहाल आगे की रणनीति किस तरीके से आप तैयार करेंगे, किस तरीके से जनता के बीच में जाकर के जनता को समझाएंगे, बताएंगे, क्या करेंगे? मैं चुनाव मैदान में थोड़ा देर से आया हूँ, मेरे साथ थोड़ा सा उम्मीदवारों को साथ लेकर थोड़ा पंचायत वगैरह चल रही थी, वो कसमकस थी, अब वो कसमकस ख़त्म हो गई है। मैं चुनाव मैदान में लोगों के बीच में जाकर अपना जो भी प्रचार के अच्छे पढ़े लिखे अनुभवी उम्मीदवार वाले जो तौर तरीके हैं, मैं उन्हीं तौर तरीकों से जनता के बीच में अपना प्रचार करूंगा। मैं दीवारें गंदी नहीं होने दूंगा जहां तक मेरा बस चलेगा, और जहां तक एक शालीनता और पढ़ाई के हिसाब से मैं लोगों से वोट की अपील कर पाऊंगा, उस तरह से मैं अपनी अपील रखूंगा, और जनता अच्छे पढ़े लिखे उम्मीदवार को मैं मानता हूं समर्थन देगी। मैं दीवारों को गंदा करने का पक्षधर नहीं हूं, जिस वार्ड को हम सुंदर बनाना चाहते हैं उस वार्ड को गंदा करके और बाद में हम लोगों को ये दिखा के कि हमने खंभों पर या दीवारों पर पोस्टर चिपकाए या खंभों पर बोर्ड लटकाए, मेरी समर्थकों की एक मजबूरी थी कि डॉक्टर साहब आप ऐसे तो मुकाबले में कहीं नहीं दिखाई दे रहे, तो मैंने हाँ थोड़े से फ्लेक्स बोर्ड जरूर लगवाए हैं, और उसके अलावा मैं वार्ड की दीवारों को गंदा नहीं करना चाहता। मेरा बस चलेगा तो वार्ड को चंडीगढ़ जैसा विकास दूंगा, जैसे कि हमारे वार्ड नगर निगम के चंडीगढ़ में है, उस तरह के निगम की एक प्रक्रिया अपना कर अपनी सूझबूझ से अपने साथियों की और वार्ड वासियों की मेहनत से मैं एक ऐसा परचम और एक ऐसा वार्ड का परिचय दूंगा कि लोग ये सोचेंगे कि हम किसी 40 वार्डों में किसी बहुत अच्छे सुंदर वार्ड के निवासी हैं। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से BVM जो खबर 24 न्यूज़ चैनल है, जो फरीदाबाद की जनता की हर दुखती रग को भी जाके उनका वजन जानता है, उनका दुख सुख से नाता जोड़ता है, तो मैं आपको एक अपनी तरफ से आश्वासन देता हूँ वार्डवासियों को कि कभी भी जहाँ भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके बीच में हाजिर रहूंगा। मैं हर घर घर तक आकर आपकी समस्याओं को पूछूंगा, पूरे 5 साल आपकी सेवा करूंगा, कहीं गली सड़क जहां आप कहेंगे कि यहां से एक राई के दाने के बराबर, आधा इंच के बराबर नीची करनी है और आधा इंच के बराबर ऊंची करनी है, आपके मोहल्ले वासियों का, गली वालों का, सबकी जो आज्ञा सहमति बनेगी तभी मैं गली को नीचा ऊंचा करवाऊंगा। ऐसे नहीं कि किसी के मकान नीचे हैं किसी के ऊंचे हैं और प्रशासन एक जो लकीर पर चलता है, नहीं, मैं उसमें अपने इंजीनियर्स का और XCN SDO JE साहब का सबके साथ में एक मीटिंग करके वार्ड के लोगों की एक मीटिंग कराऊंगा। मीटिंग करा के जैसे भी मुझे मेरे वार्डवासी आदेश करेंगे उनके बीच में आपके प्रशासन को भी लेकर आऊंगा, इंजीनियर टीम को भी लेकर आऊंगा, आप जैसे मुझे मार्गदर्शन करेंगे मैं आपके मार्गदर्शन के अनुसार ही चलूंगा। मेरी पार्षद बना कोई मेरी बपौती नहीं होगी, हर घर घर में मैं हर बच्चे बच्चे को अपने वार्ड का पार्षद समझूंगा और उन्हें पार्षद बनने का अनुभव कराऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। फिलहाल इनके समर्थकों से भी दो चार बातें करना चाहेंगे, आखिर क्या फिलहाल इनकी जो रुझान है जनता में कैसा है, इस बात को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? नानक चंद जी, आपके बार से डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, कैसा इनका रुझान है, किस तरीके का इनका जो व्यवहार है, कैसा है? व्यवहार बहुत बढ़िया है, हर जनता जानती है, पहले भी इलेक्शन खड़े हुए थे, पहले भी इनको काफ़ी मदद मिली है पब्लिक से, अच्छा काम करते हैं। तो क्या ये अगर जो यहाँ से पार्षद बन जाते हैं तो क्या बाढ़ की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी? अगर यहाँ से पार्षद बन जाते हैं तो बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएंगी सारी। और भी कोई बात अगर जो कहना चाहते हैं? कोई गंदगी है, सड़कें खराब हैं, पानी की समस्या अच्छी बढ़ गई है, वो सारी खत्म हो जाएंगी इनकी वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम युवाओं की एक थोड़ी सी सोच अलग होती है, फिलहाल हमारे साथ एक युवा भाई मौजूद है, इनसे भी हम जानेंगे युवाओं की सोच एक अलग है अपने वार्ड के विकास के लिए, आखिर इनकी सोच क्या कहती है वो इनसे हम खुद ही जानना चाहते हैं। मेरा नाम विनीत बंसल है। विनीत जी, फिलहाल आप युवा हैं, युवाओं की सोच एक अलग है, आजकल सरकार को युवा की जरूरत है, क्या कहना चाहते हैं विजेंद्र बंसल जो ये सिंगला जी हो रहे हैं, यहाँ से खड़े हो रहे हैं इलेक्शन से, ये किस तरीके के नेता बनेंगे आगे, मान के चलो अगर जो पार्षद बन जाते तो कैसा रुझान करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये एक डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे अच्छे आदमी हैं, तो इनकी सोच बहुत ऊँची है। आप अपने बाढ़ को कैसा देखना चाहते हो, किस तरीके? बिल्कुल चंडीगढ़ जैसा होगा ये, मैं बिल्कुल जीत जाते हैं। तो आपने चंडीगढ़ तो बाढ़ को बना दिया, आखिर जनता से क्या अपील करना चाहते हो, अगर अपनी सोच के साथ? जनता को सब पता है, आप भी कुछ जनता के लिए बोल दीजिए। देखिए, जनता साथ देगी बिल्कुल, छत्तीस बरादरियों के आदमी है, बिल्कुल साथ देंगे। युवा भी साथ देंगे? युवा साथ देंगे बिल्कुल, तो जीत पक्की है बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल युवा भी साथ है, बुजुर्ग भी साथ है, तो ये तो आने वाली 8 तारीख तय करेगी कि आखिर जीत किसकी होगी। हालांकि मैदान में और भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जो छवि जिसकी अच्छी होती है, जिसकी सोच अच्छी होती है, जनता उन्हें ही चुनती है। फिलहाल हमारे साथ एक बुजुर्ग और हम लेना चाहते हैं इसी कड़ी में जोड़ते हुए, उनकी भी थोड़ी सी हम राय जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि गुप्ता है। गुप्ता जी, आपने बहुत सारे पार्षद देखे हैं, बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं अब तक के इलेक्शनों में, और अब ये जो हो रहा है इलेक्शन, इसमें क्या कुछ अलग अलग होगा? इसमें एक तो ये अलग है कि आजकल सरकार भी युवाओं को बहुत टाइम दे रही है, और युवाओं का समय आगे भी चलता ही रहेगा, और जो विजेंद्र सिंगला जी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टर साहब हैं, अच्छी तरह सेवक पब्लिक की सेवा करने वाले हैं, और अपने वार्ड के दिलचस्पी लेकर जनता के बीच एक एक घर में जाकर उनसे दुख सुख के साथी बनते हैं। और मैं तो यही जनता से अपील करूंगा कि अपने इस नेता को, अपने भाई को, छोटे को बहुमत से जिताएं, और अपने वार्ड की तरक्की के लिए और इनको सहयोग पार्षद बनाकर और अपने वार्ड को एक चंडीगढ़ जैसा वार्ड बनाने की कोशिश कर पाए। धन्यवाद। फिलहाल यहाँ हमने समर्थकों से बात करी है और कैंडिडेट से बात करी है, फिलहाल इसी कड़ी में जुड़ते हुए हम फिर आएंगे और बात करेंगे वार्ड नंबर 37 के हर एक आदमी से कि आखिर जनता क्या चाहती है। फिलहाल कैमरा पर्सन सुनील रावत के साथ मैं मुकेश ठाकुर, बीबीएम न्यूज़ फरीदाबाद।